तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लोगे जिसका नाम है कन्वर्सर। इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको प्लस जैकेट किया और सिंपली उस पर टैप करोगे और यहाँ पर जो रेसिपी आपको अच्छा लगे आप उसको चूज़ कर लोगे। मैं यहाँ पर 16x9 को चूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरी वीडियो भी 16x9 रेसिपी है। और यहाँ पर आपको मीडिया फाइल पर टैप करके उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है जिस वीडियो में आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो। चलिए मैं यहाँ पर उस वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी वो वीडियो इंपोर्ट हो चुकी है। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी वीडियो से आप किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करना चाहते हो उस वीडियो का कैमरा मूव नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में मेरा कैमरा जो है वो मूव नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में चले जाना है और आपको एक कैप्चर लेना है जिसके लिए आप यहाँ कैप्चर बटन पर टैप करोगे और कैप्चर एंड सेव के ऑप्शन पर टैप कर लोगे। इसके बाद आपको एक और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है लाइटरूम। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली इसको ओपन करोगे फिर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको सिंपली प्लस आइकन पर टैप करना है और उस फोटो को इंपोर्ट कर लेना है जिसको अभी आपने कैप्चर किया। उसको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ सिंपली ऐड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ऑल फोटोज में वो फोटो ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको उस फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस फोटो को एडिट करना है जिसके लिए आपको यहाँ पर एक हेल्पिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप उस पर टैप करोगे। और यहाँ पर मैं स्टैम्प का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर आपको जूम करके उस कार को या बाइक को या उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है जिसको आप रिमूव करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इस कार को रिमूव करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर ऐसी लाइन बना दूँगा और फिर देख सकते हो वो कार रिमूव हो चुकी है। अगर वो चीज़ से रिमूव नहीं होती है तो आप उसको हिला सकते हो उसके ऊपर जो हिस्सा आ चुका है और उस हिस्से में आप कोई किसी और जगह कलर ऐड करना चाहते हो। मान लो मैं वहाँ पर पेड़ का ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे पेड़ का अगर ऐड ऐसे ऐड हो जाएगा और मैं रोड का ऐड करना चाहता हूँ तो मैं उसको रोड के पास ले जाऊँगा और ये रोड का कलर ऐड हो चुका है और आप देख सकते हैं कार गायब हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर मैंने कार को अच्छे से गायब नहीं किया, आपको एक काम बड़े ही ध्यान से करना है। तो इसी प्रकार आपको सारी कार को बाइक को गायब करना है और पूरे रोड को ब्लैंक कर देना है। मैंने पहले से ही सारी कार को ब्लैंक करके रखी है, एक फ़ोटो तैयार की है, आप उस फोटो को देख सकते हैं। देखिए इस फोटो में यहाँ सड़क पर कोई भी कार नहीं है लेकिन यहाँ पर पेड़ के पास में कुछ कार है, उनको मैं रिमूव अच्छे से नहीं कर पाया इसलिए मैंने उनको ऐसे ही रहने दिया। और इस फोटो को मैं सेव करने के लिए मैं इस पर टैप करूँगा, यहाँ पर मैं 3 डॉट्स पर टैप करूँगा और फिर यहाँ पर मैं सेव टू डिवाइस पर टैप कर दूँगा और यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी वाली सेलेक्ट करके इसको ओके कर लूँगा और ये फोटो एक्सपोर्ट हो चुकी है। फिर मैं इस लाइटरूम एप्लीकेशन को क्लोज करूँगा और काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लूँगा। इसके बाद मैं लेयर बटन पर टैप करूँगा और मीडिया फाइल पर टैप करूँगा और फिर एडोब लाइटरूम पर टैप करके मैं उस फोटो को इंपोर्ट कर लूँगा जिसको अभी अभी मैंने सेव किया है। उसके बाद इस फोटो को फुल स्क्रीन में फिट करने के लिए या तो मैं इस एरो पर टैप करके इसको ऐसे खींच लूँगा और फुल स्क्रीन में फिट करूँगा या तो मैं इस फ्लैट स्क्रीन वाले ऑप्शन पर टैप करके फुल स्क्रीन चूज कर लूँगा और फिर ये फुल स्क्रीन में फिट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वीडियो में से सारी कार बाइक गायब हो चुकी है लेकिन इस फोटो को मैं एक्सपेंड करूँगा तो ये पूरी वीडियो में गायब हो जाएगी। लेकिन मुझे इसे पूरी वीडियो में नहीं गायब करना, मुझे इसे यहाँ तक गायब करना है तो मैं यहाँ पर प्ले हेड को लेकर जाऊँगा। उसके बाद शेयर बटन पर टैप करके ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड कर लूँगा। इसके बाद मैं उस फोटो को सिलेक्ट करूँगा और इसमें मैं एनिमेशन डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें वाइप वाला एनिमेशन डाल देता हूँ तो आप देखिए कार कैसे गायब हो रही है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे कार गायब हो रही है, एकदम से धीरे धीरे करके करते सारे कार गायब हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप वीडियो में सारी कार्स को गायब कर सकते हैं। और ज़्यादा एनिमेशन देना है तो आप यहाँ पे पल्स जिल्टर एनिमेशन का यूज़ कर सकते हैं। आप देखें वीडियो कैसी बन रही है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने वीडियो में सारे कार्स को गायब कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ किसी एक ही एरिया की कार्स को गायब करना तो मैं क्या करूँगा, ग्राउंड इरेजर। इस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आप सर्च करेंगे बैकग्राउंड इरेजर तो आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आपको लोड ऑफ फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है और जो फोटो अभी आपने लाइट रूम में बनाई थी उसको इम्पोर्ट करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर डन कर दोगे।
फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, जिस एरिया से आप कार को रिमूव करना चाहते हो उस एरिया को छोड़ के बाकी सारे एरिया को आपको रिमूव कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर यहाँ पर आपको दो रास्ते दिखेंगे, मैं एक रास्ते से सारी कार्ड को रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं उस रास्ते को छोड़ के बाकी सारा बैकग्राउंड इरेज कर दूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने इतना काम कर लिया और मैंने थोड़े से पेड़ को छोड़ दिया क्योंकि मैं पेड़ को गायब नहीं करना है, और मैंने काम थोड़ा जल्दबाजी में किया है। आपको ये काम बड़े ही आराम से और ध्यान से करना है, इसके बाद आप यहाँ पर डन कर दोगे और इसको सेव कर लोगे। और हाँ दोस्तों आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब आप लोड ऑफ फोटो पे टैप करके किसी फोटो को इंपोर्ट करो, मतलब कि जो फोटो आपने लाइटरूम में बनाया उसको इंपोर्ट करो, तो उसका आप यहाँ से ऐसे क्रॉप ना करें तो ये अच्छा रहेगा, नहीं तो बाद में काइन मास्टर में आपका काम ठीक नहीं होगा। इसके बाद आप काइन मास्टर को ओपन करोगे और फिर लेयर पे टैप करके मीडिया पे टैप करोगे और जो फाइल अभी आपने बैकग्राउंड रिजन बनाई आप उसको इंपोर्ट करके फुल स्क्रीन में फिट कर दोगे। तो आप देखेंगे मैं इसमें ओवरऑल एनिमेशन डालूँगा जिल्टर वाला ना, पल्स वाला डालना ठीक रहेगा। तो आप देखेंगे कि एक ही एरिया से कार गायब हो रही है जबकि ब्लिंक ब्लिंक करते जा रही है, और मैं ब्लिंक भी इफेक्ट ना डालूँ तो एक ही एरिया से कार गायब हो जाएगी। रुके मैं आवाज़ को कम कर देता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो आप देख ही सकते हैं एक एरिया से कार गायब हो चुकी है, बाकी एरिया में बाइक वगैरह चलती जा रही है। और आप पूरी वीडियो का स्टार्टिंग से देखें तो देखिए कैसा इफेक्ट आ रहा है, पहले तो सारी गाड़ियाँ हल्के हल्के ब्लिंक कर रही है, फिर एक एरिया से सारी कार गायब हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप वीडियो में मूविंग ऑब्जेक्ट को रिमूव कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे यही बताया है कि एक ही एरिया में से किसी ऑब्जेक्ट को सारे ऑब्जेक्ट को रिमूव कैसे करें। लेकिन अगर आप इस वीडियो में किसी एक ही कार को रिमूव करना चाहते हो तो उसके लिए तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या करना है चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लेयर बटन पर टैप करोगे, मीडिया फाइल पर टैप करोगे, बैकग्राउंड पर टैप करोगे, इसके बाद यहाँ पर कोई भी कलर बैकग्राउंड चूज करोगे और फिर यहाँ पर आप उसका कलर चेंज कर दोगे और यहाँ पर कलर पिकर का ऑप्शन चूज करोगे और यहाँ पर इस गोल गोल सर्कल को इसको आप ग्रीन पर ले जाओगे और इसको भी आप पूरा ग्रीन कर दोगे। तो आप देखेंगे ये पूरी ग्रीन हो चुकी है, लेकिन मुझे ज़्यादा ग्रीन करनी है। और आप देख सकते हैं ये ग्रीन हो चुकी है, बस क्या करना है इसके साइज को थोड़ा सा छोटा करना है और फिर आपको उस कार पे इसको लगा देना है जिस एक ही कार को आप गायब करना चाहते हैं। और अगर ये कार मान लें स्टार्टिंग में ही आ रही है तो मैं इस बैकग्राउंड को स्टार्टिंग में ही रखूँगा, अगर मान लें कार थोड़ी देर बाद आ रही है तो मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा काट दूँगा। तो यहाँ पर मुझे इस कार को थोड़ी सी देर के लिए रिमूव करना है, तो मैं यहाँ तक मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ, ये कार जब तक आगे आ गई है। तो मैं क्या करूँगा, चाबी वाले आइकन पर टैप करूँगा और इस बैकग्राउंड को मैं कार के साथ साथ चलाऊँगा। देखिए अभी ये बैकग्राउंड कार के बिल्कुल ऊपर है, जैसे कार थोड़ी आगे जाएगी मैं इस बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा आगे ले जाऊँगा। फिर जैसे ये कार थोड़ी सी आगे गई मैं इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा आगे ले कर गया, फिर एक कार आगे गई मैं बैकग्राउंड को ले गया। ऐसा आपको करते जाना है और एक ही कार को आपको रिमूव कर लेना है इस प्रकार से, और इतना काम हो गया। इसके बाद आप इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लोगे। उससे पहले मैं एक बार प्ले करके देख लेता हूँ कार अच्छे से कवर हुई है या नहीं। तो यहाँ पर वो कार अच्छे से कवर हो गई है, मैं इस वीडियो फाइल को एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। ये बहुत छोटी वीडियो मैंने एक्सपोर्ट किया इसलिए बहुत जल्दी से एक्सपोर्ट हो रही है। तो यहाँ पर मैं बैक जाऊँगा, फिर से बैक जाऊँगा और मैं प्लस सेकंड पर टैप करूँगा, 16:9 रेशियो को चूज़ करूँगा। और यहाँ पर आपको वो फ़ोटो नहीं इंपोर्ट, वो वीडियो इंपोर्ट नहीं करनी है जो अभी आपने एक्सपोर्ट की, यहाँ पर आपको लाइट रूम की फ़ाइल इंपोर्ट करनी है जिसमें आपने सभी ऑब्जेक्ट को रिमूव कर रखा है। इस फाइल को इंपोर्ट करने के बाद लेयर पर टैप करोगे, मीडिया पर टैप करोगे और जो भी फाइल आपने एक्सपोर्ट किया उस पर टैप कर लोगे। और इस इमेज की ड्यूरेशन मैं बिल्कुल वीडियो की ड्यूरेशन जितनी कर देता हूँ, और फिर इस वीडियो को मैं फुल स्क्रीन में फिट कर देता हूँ। इसके बाद इस वीडियो में मैं क्रोमा की को इनेबल करूँगा और रिकेंटली यूज़ कलर में ग्रीन कलर मिल जाएगा जो भी हमने लिया है, और फिर क्रोमा की को यहाँ पर आप ठीक से एडजस्ट करोगे तो मैं आप वीडियो को प्ले करोगे तो देखोगे कि जो कार हमने ग्रीन के ऊपर रखी थी वो कार गायब हो चुकी है, मतलब जो कार हमने ग्रीन बैकग्राउंड के ऊपर रखी थी वो कार स्टार्टिंग में थोड़ी सी गायब हो चुकी है।
तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और आज की वीडियो में आपने सीखा कि एक वीडियो में सभी के सारे ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करें, एक ही एरिया के ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करें और किसी एक ही पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैसे रिमूव करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी और कमाल कमाल की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।